लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने के सवाल पर अपना रुख साफ कर दिया है। जयंत चौधरी ने कहा कि मैंने अपने सारे विधायकों से बात कर ली है, हमें अल्प समय में फैसला लेना पड़ा, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया। जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि हमारे सभी विधायक और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। हाल ही में मोदी सरकार द्वारा जयंत चौधरी के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद से जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की अटकलें थी। हालांकि अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जल्द ही बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। आपको बता दें कि जयंत चौधरी इससे पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और सपा ने रालोद को 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। हालांकि सपा के सिंबल रालोद का और उम्मीदवार सपा के फॉर्मूले से जयंत चौधरी नाराज थे। केंद्र सरकार ने जब पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया था, तब जयंत चौधरी ने भारत के राष्ट्रपति और विशेष रूप से पीएम मोदी को धन्यवाद किया था। वहीं अब जयंत चौधरी से सवाल पूछा गया कि क्या वह बीजेपी के साथ जाएंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि किस मुंह से इनकार करूं। हालांकि अब जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने का खुद ऐलान कर दिया है। वहीं जयंत चौधरी के एनडीए में जाने से इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जयंत चौधरी की पश्चिमी यूपी में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है और इनका जाट वोट बैंक पर खासा प्रभाव है। हालांकि अब देखना ये होगा कि जयंत चौधरी के बीजेपी के गठबंधन करने से इंडिया गठबंधन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।